हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड द चाइल्ड। मेरा आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी स्कूल में क्लास 5 में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूं क्लास 5 एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैथ्स का एक वर्कशीट। ये वर्कशीट को पूरा देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसी भी स्कूल में एडमिशन टेस्ट के लिए किस तरह का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया जाता है। इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स जो क्लास 5 का एडमिशन टेस्ट देने वाले हैं उनको भी फायदा मिल पाए। क्लास 5 एडमिशन टेस्ट के लिए जनरली 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, और तीनों सेक्शन में अलग अलग पास करना जरूरी होता है। पास कई सवाल पेरेंट्स के आते हैं कि कौन सी बुक से हम एडमिशन टेस्ट के लिए तैयारी करवाएं, तो मैं आप सबको ये सजेशन दूंगी कि आपको कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल की जो भी क्लास 4 की मैथ्स की बुक है उसके सिलेबस को अगर बच्चों ने ठीक से पढ़ा है तो किसी भी स्कूल का एडमिशन टेस्ट निकालना आसान हो जाएगा। जो भी सवाल क्लास 5 एडमिशन टेस्ट के लिए आते हैं वो क्लास 4 के सिलेबस पर ही बेस्ड होता है। ये टेस्ट पेपर है 25 मार्क्स का, जिसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में 5 सवाल है और हर एक सवाल 1 मार्क्स का है। सेक्शन ए का पहला सवाल है, चेंज 5 डेज 15 आवर्स टू आवर्स, 5 दिन और 15 घंटे को घंटों में बदलना है। आंसर होगा 135 आवर। क्वेश्चन नंबर 2, 998 मल्टीप्लाइड बाई डैश इक्वल टू 9,98,000। इसे सॉल्व करने के लिए हम 9,98,000 को 998 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1,000। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6,255 ग्राम्स इक्वल टू डैश केजी एंड डैश ग्राम। 6,255 ग्राम्स को हमें केजी और ग्राम में बदलना है तो आंसर आएगा 6 KG 255 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म 2,03,456, तो आंसर होगा 2 लाख प्लस 0 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1,25,410 प्लस 3,12,254 प्लस 30,212 प्लस 2,102। सिंपल एडिशन है, आंसर आएगा 4,69,978। सेक्शन बी में 7 सवाल है और हर एक सवाल 2 मार्क्स का है, जिससे सेक्शन बी का टोटल मार्क्स बनता है 14। पहला सवाल है, ईच क्लास इन अ स्कूल हैज 3 सेक्शंस, ईच सेक्शन हैज 40 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासेस 1 to 10। एक स्कूल में, एक क्लास में 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट है, तो उस स्कूल में क्लास 1 से लेकर 10 तक कितने टोटल स्टूडेंट्स होंगे। क्लासेस 1 टू 10 में हर एक क्लास में 3 सेक्शन है तो टोटल क्लास हो गए 30 और हर एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट है तो आंसर आएगा 1200। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। मल्टीपल्स, फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से किए होंगे, तो इसका आंसर आएगा 12, 24 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 3 फैक्टर्स ऑफ 105 अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 और जो नंबर है उसे छोड़कर, तो आंसर आएगा 357। ये सारे 105 के फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 3, 18, 81, 79, 175। कोई सा भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स के सारे डिजिट को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो सम आता है उसे 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो पूरी तरह से 3 से डिविजिबल हो गया यानी वो टोटल नंबर 3 से डिविजिबल है, 81 है तो 8 प्लस 1 क्या आया, 9, तो 9 3 से डिविजिबल है इसलिए नंबर 81 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह से आपको चेक करना है तो आंसर आएगा 18 एंड 81, ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। नंबर 5 है, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/7। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किसी भी नंबर से, तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं 10/14 और 15/21। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, एक शेप दिया हुआ है और उनके साइड्स की लेंथ दी हुई है,
आपको कैलकुलेट करना है उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या करते हैं, सारे साइड्स के लेंथ को हम ऐड कर देंगे, 100 मीटर, 35 मीटर, 15 मीटर, 42 मीटर, 60 मीटर और 50 मीटर। तो इसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा यानी पेरीमीटर जो आएगा वो है 302। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर रेक्टेंगल्स। आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर बी है, अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू हाफ। आंसर होगा ट्रू। प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई। आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी, द एंटायर लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस। आंसर होगा फॉल्स। करेक्ट आंसर है, इट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सेक्शन सी में दो सवाल हैं और दोनों सवाल तीन तीन मार्क्स के हैं और जिससे टोटल मार्क्स बनेगा 6। पहला सवाल है, रवि हैज 6,43,578 रुपीज। ही वॉन्ट्स टू बाय अ मशीन दैट कॉस्ट रुपीज 9,05,000। हाउ मच शुड ही बोरो सो दैट ही इज लेफ्ट विथ रुपीज 25,000 आफ्टर बाइंग द मशीन। रवि के पास 6,43,578 रुपीज है और जो उसे मशीन खरीदनी है वो 9,05,000 की है, और वो कितना बोरो करे, किसी से कितना पैसे उधार ले जिससे वो ये मशीन भी खरीद पाए और साथ ही उसके पास जो 25,000 रुपए एक्स्ट्रा बच जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले 9,05,000 और 25,000 को ऐड कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि रवि को कितने पैसों की जरूरत है और जो ऐड किया हुआ अमाउंट आए उसे आप 6,43,578 से माइनस कर दीजिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसे और कितने पैसों की जरूरत है। तो आंसर आएगा 2,86,422। सेक्शन सी का दूसरा सवाल है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स दैट इज डिविजिबल बाय 32। इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फोर डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, तो वो नंबर है 1000। जब हम 1000 को 32 से डिवाइड करके देखते हैं तो रिमाइंडर आता है 8, यानी अगर हम 1000 से 8 अगर माइनस कर दें तो वो 32 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। जब हम 1000 को 8 से माइनस करते हैं, 8 कम कर देते हैं, तो आंसर आएगा 992। अगर 992 को 32 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, ये पूरी तरह से 32 से डिविजिबल है। लेकिन ये तो नंबर हो गया तीन डिजिट का, हमें चाहिए चार डिजिट का वो नंबर जो 32 से डिविजिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 992 में फिर से 32 ऐड करेंगे जिससे वो नेक्स्ट मल्टीपल बन जाएगा जो कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए 32 से। तो आंसर होगा 1024। क्लास 5 एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। ये था एग्जांपल टेस्ट पेपर जो क्लास 5 में एडमिशन देने जाने वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और इसकी वर्कशीट लेने के लिए आपको मेल करना है snehasmithisethi2019@gmail.com पर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्कूल कॉलेज एडमिशन और बहुत सारी यूजफुल जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।